हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को विज्ञान कक्षा 9 की। आज आपके पास अध्याय चल रहा है ध्वनि। ध्वनि में से आपको आप बताने जा रहे हैं, टॉपिक आपके पास है क्या है, ध्वनि तरंगों के अभिलक्षण। मतलब जो तरंग होते हैं उनकी करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती है, मतलब जो हमारी वेव्स होती है, मतलब ध्वनि होती है, साउंड हम लोग सुनते हैं, स्पीकर से सुनते हैं, और हमारे वाटर का भी साउंड होता है, कई मेनी टाइप्स ऑफ साउंड होते हैं। तो इनके सबके अलग अलग अपने अपने क्या टाइम्स या करेक्टरिस्टिक्स होती है, तो वो चीज़ हम आपको बताने जा रहे हैं। तो हमारे पास क्या होता है ध्वनि तरंगों के, यहाँ पर आप लिख सकते हैं ध्वनि तरंगों के निम्नलिखित अभिलक्षण हैं। निम्नलिखित अभिलक्षण हैं, पहला हमारे पास दिया हुआ है, क्या दिया है, फर्स्ट नंबर में है हमारे पास आयाम, जिसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। दूसरा होता है आपके पास आवर्तकाल, टाइम पीरियड, और तीसरा होता है आपके पास हमारे पास आवृत्ति, जिसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक, फिर होता है हमारे पास कला, चार नंबर पे होता है, जिसको बोलते हैं कला। कला मतलब होता है फेज। फिर पांच में होता है कला वेग या तरंग वेग, जिसको बोलते हैं। ठीक है, मान लो तरंग दर्द, मान लो तरंग दर्द भी होती है, सॉरी, जिसको बोलते हैं वेवलेंथ। ठीक, अब छह नंबर पे होता है तरंग वेव। अब तरंग वेव जो होता है वो हमारा था वेव वेलोसिटी होती है। ठीक है, क्या होती है, वेव वेलोसिटी। ये आपके पास सिक्स फेज होते हैं, सिक्स करेक्टरिस्टिक, छह प्रकार की हमारे पास अभिलक्षण होते हैं ध्वनि के। अब इनको हमको बारी बारी से पढ़ना है, तो आज आपको बताएंगे। अब आप लोग सेशन को, थोड़ा सा जुकाम भी है इस वजह से गले से आवाज़ थोड़ी कम अच्छी आ रही होगी, कोई बात नहीं, आवाज़ को अब मैनेज कर लीजिएगा। और साथ ही साथ आप लोग इन चीज़ों को अभी हमें बारी बारी से बताएंगे, मतलब क्रम बाई क्रम से, और इनको आपको समझाया जाएगा, लिखाया जाएगा, आपको बताया जाएगा। ठीक है, बस आपको वीडियो को इन तक देखना है। और साथ ही साथ चैनल पर नए हों तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, इसको बोलते हैं घंटी को, क्योंकि जब भी वीडियो कोई आएगा, कोई नोटिफिकेशन होगी, तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, पहला आपके पास पॉइंट लिखा है, क्या है, आयाम। क्या है आयाम, आयाम क्या होता है, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड को पढ़ते हैं, किसी माध्यम में तरंग संचरित, किसी माध्यम में तरंग संचरित होने पर माध्यम का कंपन, माध्यम का कंपन, संचरित होने पर माध्यम कंपन करता हुआ, हमारे पास क्या होता है, कंपन करता हुआ कोई भी कण अपनी साम्यावस्था के दोनों ओर जितना अधिक से अधिक, यार जितना अधिक से अधिक विस्थापित होता है, उस दूरी को तरंग का आयाम कहते हैं। मतलब आप लोगों ने ऐसे तरंग तो नहीं देखी होंगी, लेकिन समुद्र की लहरें देखी होंगी, ऐसे करके जाती हैं। तो वही हमारे पास लहरें, उनकी जो ऊंचाई मान लो या स्लोप मान लो जो होता है, वही हमारा आयाम होता है। ठीक है, और जैसे आप लोग देखोगे एसी करंट, मतलब अंतरणी करंट ऐसे कैसे करके चलती है, एक समय पर मैक्सिमम, फिर जीरो, फिर मैक्सिमम, फिर जीरो, फिर मैक्सिमम, फिर जीरो, ऐसे चलती रहती है। तो वो आयाम किसी माध्यम में तरंग संचित होने पर माध्यम का कंपन करता, या तुम लोग देखोगे कि इस बॉडी में ऐसे 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 कंपन होना, मतलब
हाथ पर कोई भी चीज़ का कंपन मतलब क्या होता है, जैसे झंझनाना, तो वो चीज़ जो करता हुआ कोई भी कण अपनी साम्यावस्था कि दोनों जितना अधिक मतलब हाईएस्ट हाईएस्ट विस्थापित मतलब दूरी को तय कर लेता है उस दूरी को आयाम कहते हैं, इसे स्मॉल ए या कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं। देखिए आपके पास ये देखिए जो यहाँ से यहाँ तक नीचे हो चाहे ऊपर हो दोनों तरफ की जो दूरी होती है हाईएस्ट वही आयाम कहलाता है। समझ पा रहे होंगे, तो आप लोग इनको जल्दी से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आप लोगों को आसानी रहेगी, आप नोट से प्रॉपर बना लेंगे। ठीक है, बहुत दिनों के बाद वीडियो अपलोड हो रहा है आप लोगों को, बहुत दिनों के बाद क्लास हो रही है, दिनों का मतलब कई महीनों के बाद, तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा इशू आ गए थे कई सारे और शॉर्ट टर्म थोड़ा सा रिपेयर भी होनी थी कोचिंग मतलब क्या आपका स्टूडियो, अब थोड़ा काफ़ी अच्छे से आपको ब्राइटनेस भी अच्छी लग रही होगी और आपको वीडियो में क्लैरिटी भी मिल रही होगी। ठीक है, तो कोई बात नहीं, आगे कंटिन्यूसली करने की कोशिश की जाएगी, रेगुलरली आपको क्लास मिलती रहे डे टू डे। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो आपके पास दूसरा पॉइंट लिखा है आवर्तकाल, टाइम पीरियड क्या होता है, लिखा है किसी माध्यम में तरंग संचित होने पर, टाइम पीरियड किसी माध्यम में तरंग संचित होने पर माध्यम का कोई भी क्या, माध्यम का कोई भी कण कंपन पूरा करने में जितना समय लेता है उसे तरंग का आवर्तकाल कहते हैं, इसे कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं। हमारा आवर्तकाल का फार्मूला होता है, देखिए आपको यहाँ पे आवर्तकाल यहाँ बता देते हैं, जो हमारा आवर्तकाल होता है वो क्या होता है, कैपिटल टी बराबर होता है हमारा जितना एक कण पूरा चक्कर पूर्ण चक्र के लिए हमारे पास ओमेगा प्रदर्शित करते हैं और जो इसको दूरी जो होती है वो हमारे पास इससे 2π हमसे डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, ओमेगा की जगह पे होता है हमारे पास जे फार्मूला लगाते हैं कि हम आवर्तकाल निकाल लें, टी बराबर ओमेगा अपान 2π। अब जब आवर्तकाल मिल जाएगा तब हम उसकी फ्रिक्वेंसी निकालते हैं, क्या आवृत्ति, अब इसका मात्रा क्या होता है सेकेंड, ये ओमेगा होता है वो क्या होता है कोणीय वेग होता है, क्या होता है कोणीय वेग होता है ओमेगा। अब देखिए यहाँ पर जो हमारे पास एक चक्कर पूर्ण करने में ऐसे यहाँ से ऐसे करके और ऐसे ये पूर्ण करने में जो कितना समय लगता है वही हमारा टाइम पीरियड कैपिटल टी कहलाता है मान लो। ठीक, अब यहाँ पर हमारे पास आवृत्ति क्या है, आवृत्ति किसी माध्यम में तरंग संचित होने पर माध्यम का कोई भी कण, तरंग संचरित होने पर संचरित मतलब वेव चलने पर माध्यम का कोई भी कण एक सेकेंड में मतलब एक सेकेंड में जितना कंपन करता है मतलब ऐसे ऐसे कंपन करता है कंपनों की उस संख्या को, कंपनों की उस संख्या को तरंग की आवृत्ति कहते हैं, इसी स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं स्मॉल एन से। अब देखिए जो हमारे पास इसका आवृत्ति का जो मात्रक होता है फ्रिक्वेंसी मतलब क्या, हम लोग फ्रिक्वेंसी जैसे देखिए आपको अभी ऑन द हाईवे पर हमारे पास क्या आ रही फ्रिक्वेंसी साउंड की आवाज़ आ रही होगी, तो जो वो फ्रिक्वेंसी साउंड होता है ध्वनि होती है वो एक सेकंड में जितने हमारे पास कंपन करती है मतलब हमारे पास पहुँचती स्पीड से वही हमारी क्या कहलाती है फ्रिक्वेंसी मतलब उसकी आवृत्ति कहलाती है। समझ पाए फ्रिक्वेंसी क्या होती है मतलब क्या, जैसे हम आप बोल रहे हैं बोलने पर जो साउंड निकल रहा है वेव आ रही है जो आपके पास पहुंच रही है वो कितने सेकेंड में मतलब एक सेकेंड में जितने कंपन करते हुए आपके पास पहुंच रही है वही उसकी आवृत्ति कहलाती है। गॉट इट, तो अब इसका आवृत्ति का फॉर्मूला होता है एन बराबर 1/T, जो टाइम पीरियड होता है उसकी वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं। जो इसका मात्रा होता है क्या होता है, या तो प्रति सेकेंड होता है या हर्ट्स होती है, हर्ट्स आप लोग देखे होंगे चार्जर पे स्टेबलाइजर पे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ लीजिए तो जो इंडिया की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो कितनी होती है 50 हर्ट्स होती है, वहाँ पर आप 50Hz लिखा होगा वही होती है हमारे पास फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्स। ठीक है, ये हो गया आपके पास आवृत्ति का।
फार्मूला आवृत्ति आपको बताया गया। तो अब आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आपके पास फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट हो गया, आप फोर्थ पॉइंट पढ़ाएंगे आपको कला, फिर पढ़ाते हैं तरंग दैर्ध्य, फिर पढ़ाते हैं तरंग वेव। तो जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं क्विक फास्ट स्पीड में। देखिए आपके पास लिखी हुई है फोर्थ नंबर में कला। आपको बताते हैं कला क्या है, फेज। फेज को आप कैसे समझेंगे, पहले तो आपके पास तीन डिफिनेशन लिखी हुई है कलरफुल में, आपके पास ब्लू ब्लैक ग्रीन में मस्त कलर आपको मिल रहे हैं। देखिए इसमें कला क्या है, क्या है? कंपन करते हुए, या कंपन मतलब क्या, हमारे पास मूवमेंट करते हुए किसी कण की, किसी क्षण कला, उस क्षण की क्या कहलाती है, स्थिति तथा गति की दिशा को प्रकट करती है। मतलब अब हमारे पास कंपन करे तो उसकी क्या, किसी कोई क्षण में आगे बढ़ेगा और किसी क्षण की उसकी पोजीशन मतलब स्थिति को भी डेवलप करेगा, फिर उसके बाद उसकी गति मतलब उसकी दिशा को भी प्रदर्शित करेगी, वो हमारे पास कला कहलाती है। मतलब फेज, फेज मतलब उसकी स्थिति, दिशा और चलने की प्रक्रिया को हम कला कहते हैं। ठीक, कला हो गया। फिर दूसरे शब्दों में आपके पास दूसरी तरफ लिखा हुआ है, यदि माध्यम के कण किसी क्षण साम्यावस्था मतलब रेस्ट पोजीशन से एक ही दिशा में समान दूरियों पर हो तथा एक ही दिशा में गतिशील हो तो वे दोनों समान, उनको क्या बोलते हैं, समान कला। मतलब अगर उनकी दूरी समान है और उनकी दिशा भी समान है तो वो कौन सा फेज होगा, समान फेज होगा। और अगर उनकी दूरियां, कोई भी हमारे पास दिशा है और उसकी दूरी क्या है, दिशा उसकी गतिशील गतिशीलता से भिन्न है तो क्या हो जाएगा, असमान कला हो जाएगा। ओके जी, अब देखिए तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ क्या है। वेवलेंथ में आपको क्या करना है, ठीक है, माध्यम के किसी भी कण के एक पूरे कंपन, कंपन के समय में तरंग जितनी दूरी तय करती है उसे तरंग दैर्ध्य कहते हैं। अतः तरंग दैर्ध्य आपको बना के दिखा देते हैं कैसे, यहीं पर देखिए जी, मान लिया ऐसे, अब यहाँ से जे ऐसे करके और जे ऐसे करके फिर ऐसे करके आ गया, तो जी यहाँ से और यहाँ तक की जो दूरी होगी वो उसको बोलते हैं तरंग दैर्ध्य लेमडा। हाईएस्ट से हाईएस्ट जो पॉइंट बनकर एक चक्कर बन जाएगा एक सेकेंड में, वही उसको क्या कहते हैं, पूरे चक्कर को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। ओके, फिर दूसरे शब्दों में लिखा है, दूसरी डिफिनेशन लिखी है, एक और लिखी हुई है, क्या एक और डिफिनेशन है लिखिए, किसी तरंग में समान कला वाले दो निकटतम, किसी तरंग में समान कला वाले दो निकटतम कणों के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। मतलब समान, देखो इनकी जो कला फेज है वो क्या है, समान हो गई, समान कला इनकी जो बीच की जो दूरी होती है वही हमारी क्या कहलाती है, तरंग दैर्ध्य कहलाती है। ओके, इसे लेमडा से प्रदर्शित करते हैं, किसे प्रदर्शित करते हैं, लेमडा से। मतलब समझ पाए, जो हमारे पास ऐसे करके, ऐसे करके जी, ऐसे जी बनता है, जो 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 फेज होता है जी, और इसका वही जो इसके बीच की दूरी होती है वो लेमडा कहलाती है, और जो हाईएस्ट पॉइंट जो होते हैं वो फेज कहलाते हैं हमारे पास, इनमें जो होती है, और जो यहाँ बीच में जो होता है जो ये होता है आयाम होती है। ठीक, अब जो हमारे पास विस्थापन स्थाप होता है, ऐसे जो होता है कण संचलन की दिशा प्रदर्शित करता है नीचे। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास आ जाता है तरंग वेव, मतलब वेव वेलोसिटी क्या होती है। लिखा है कोई तरंग एक सेकेंड में, कोई तरंग एक सेकेंड में जितनी दूरी तय करती है, क्या करती है, एक सेकेंड में जितना वो चल जाएगी, जितनी दूरी पहुँच जाएगी, तय करती है, उसे तरंग वेव कहते हैं। क्या कहते हैं, उसको तरंग वेव कहते हैं। मतलब कोई तरंग एक सेकेंड में जितनी दूरी तय करती है, मतलब हमारे पास कण कण है जो पार्टिकल्स होते हैं या वेव्स में जो पार्टिकल्स आते हैं मिलते हुए
जाते हैं, वो जो 1 सेकेंड में जितनी दूरी मतलब यहाँ से यहाँ तक जो दूरी तय कर गई वो कहलाती है हमारे पास तरंग वेव। और मैंने दूसरी डिफिनेशन क्या लिखी है, तरंग के किसी बिंदु जैसे एक संपीड़न अथवा एक विरलन द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को तरंग वेव कहते हैं। मतलब एक इकाई मतलब निश्चित समय में जो तय की गई दूरी होती है वो हमारे पास क्या तरंग वेव कहलाती है। सपोज जैसे हमको यहाँ से मान लो यहाँ पर हमारे पास एक पॉइंट ए है और यहाँ से हमें यहाँ पहुँचना है, तो जितनी दूरी हमने यहाँ से यहाँ पहुँचने में 1 सेकेंड में समय लगाया, वेग जो दूरी तय कर ली वही हमारा तरंग वेव कहलाता है। ठीक है, तो ये होती है मतलब जैसे हमने कोई चीज़ बोली और आपके पास पहुँच गई, बोलने और पहुँचने में जितना समय लगा उसी दूरी को तय करने में क्या होता है हमारे पास तरंग वेव कहलाता है। हो गया, तो ये था आपके पास तरंग ध्वनि तरंगों के अभिलक्षण। नोट कर लीजिए, आप स्क्रीन शॉट लीजिए, बढ़िया से लिखा है, आप लोग नोट्स बना लीजिएगा प्रॉपर, जिससे आपको पढ़ने में आसानी रहेगी, क्योंकि ये फिजिक्स का आपका लास्ट चैप्टर है, मतलब न्यूमेरिकल पोर्शन, पहले न्यूमेरिकल और थ्योरी दोनों है, इसके बाद जो चैप्टर दिए हुए हैं वो आपके पास थ्योरी का चैप्टर दिया हुआ है, तो बहुत ही रेयर केस में वो आप लोग पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी इसके न्यूमेरिकल्स भी बताए जाएंगे और आपको थ्योरी भी बताना है, तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसके आगे जो टॉपिक है आपके पास, वो देखिए आगे वाला टॉपिक आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, आज के लिए इतना ही। और साथ ही साथ आपसे कहना चाहूँगा, अगर सेशन अच्छा लगा हो, पसंद आ रहा हो या पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन वीडियो आपके पास पहुंच जाएगी, तो आप वहां से उसका लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग वीडियो को देखने के बाद शेयर नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं, जी आप लाइक आपके एक लाइक से कुछ नहीं होने वाला है, शेयर करने से कुछ नहीं होने वाला है, क्यों, उससे हमारा मोरल अच्छा हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा कि हाँ रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा। आप लोग रिस्पॉन्स बहुत ही कम दे रहे हैं, आप लोग पढ़ते हैं लेकिन कम पढ़ते हैं, तो आप लोग पढ़िए, आपको कोई कॉस्ट फ्री हो, कॉस्ट आपके पास YouTube पे इतना अच्छा सा कंटेंट आपको अवेलेबल हो रहा है, जिससे आप लोग बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, जाने से पहले नमस्कार, बाय बाय, टाटा।